बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 वेटर्स की इंट्रोडक्शन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्या था जी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। आज मैं आपको थोड़ा सा जो है रिव्यू देता हूं द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जो चले हेडिंग ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा, या इसको हम कहते हैं जी द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, ये क्या है? तो ये बेसिकली आपको पता है और नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट कार्टेशियन। तो दिस इज व्हाट, वो प्लेन है, वो ग्राफ पेपर है जिधर आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी पॉइंट को आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जो चलिए डेफिनेशन पहले लिखिए, द सेट ऑफ टू और थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट is called what? Is called the rectangular coordinate system. It is used to specify the position of any point in a plane or space. Acha. The set of two or three, बोर्ड के ऊपर मैं टू बनाता हूं, ये आपका एक दो लाइन का सेट है, x और y एक्सिस आप इसको कहते हैं, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि इनके बीच एंगल 90 डिग्रीज होता है, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। अब ये क्या है जी? तो इस पे आप किसी भी वेक्टर को या किसी भी पॉइंट को आप इधर स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पॉइंट गिवन होता है, लेट से एक पॉइंट आपको गिवन है ए बी, तो इसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? सो द फर्स्ट वन जो होता है वो बेसिकली होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। सो द सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, तो ये बेसिकली 2D के लिए है, यानी कि मैं इस प्लेन के ऊपर बना सकता हूं और इस कॉमन पॉइंट को आप ओरिजिन कहते हैं। ये जो है ये O से रिप्रेजेंट होता है या 0 से रिप्रेजेंट होता है। तो इसको पॉइंट को ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप A यूनिट्स आए टुवर्ड्स द X, लेट्स से यहां पर A आता है, A यूनिट्स आप आ गए, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट इसका B है, तो इधर से आप B यूनिट्स ऊपर आ जाए, लेट्स सपोज ये B है तो इधर B यूनिट्स में ऊपर आया, तो ये वो पॉइंट है जी A और B जिसको आप ड्रॉ करना चाह रहे थे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रॉपर वैल्यूज देता हूं, प्रॉपर वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल ये है जी एक्स है, ये वाई है, मैं एक पॉइंट को देखता हूं जो कि 2 और 5 है। चलिए ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, ये 2 क्या है जी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, तो ये 1 और ये 2, फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो 2 यूनिट्स आप इधर आए, अब 5 यूनिट्स आप ऊपर जाए इधर से, तो ये आपका पॉइंट है जी 2 और 5। समझ आई जी? बिल्कुल आई। अब इस तरह आपको पता है जी कि इधर जो होता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, वो आपको पता है, ये मैं सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए कर रहा हूं, और यहां पे आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो इस कॉर्डन में आपका एक्स और वाई बोथ पॉजिटिव होता है, इस कॉर्डन में एक्स और वाई बोथ नेगेटिव होते हैं, इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये बेसिकली आपको सब कुछ पता है।
अब जो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की बात की तो ये बेसिकली 3D के लिए मैंने की, थ्री डायमेंशनल स्पेस। इधर एक थर्ड इस तरह का होगा जो कि मैं इधर बोर्ड पे बना नहीं सकता हूं, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये है जी जेड एक्सिस। अब देखिए इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी 90 है, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल भी 90 है, तीनों का एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्रीज है। तो इसको मैं हम इधर बनाते हैं इस तरह बोर्ड के ऊपर पॉजिटिव जेड एक्सिस और इस तरह अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस। ये बोर्ड पे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, बाकी जो है ये बेसिकली होता इस तरह से है। ये ब्लू आपका वाई एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मली आप जो है तो हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है, ब्लू आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये जो ग्रीन है अपवर्ड की तरफ वर्टिकल को आप लेते हैं वाई एक्सिस, और ये जो ब्लैक है आपकी तरफ तो ये होगा जी जेड एक्सिस। सिमिलरली माइनस ऑफ एक्स एक्सिस किस तरह होगा, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस इस तरफ होगा जी, ठीक हो गया, ब्लू के अपोजिट में, माइनस ऑफ वाई एक्सिस नीचे की तरफ होगा और माइनस ऑफ जेड एक्सिस अंदर की तरफ होगा। समझ आई कि नहीं है? बिल्कुल आई। अब इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन इसको कहते हैं जी। या चलिए मैं इसको अलग लिखता हूं, इसको मैं अलग लिखता हूं, इधर इधर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये एक्स है ये वाई है, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक हो गया जी। अब इधर एक जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसको इसको जो है तो हम वाई जेड प्लेन कहते हैं, और ये जो इधर होगा वाई और नहीं ये सॉरी ये एक्स जेड है, ये जेड है तो ये एक्स जेड है, और जो इधर वाई और जेड के दरमियान होगा तो इसको आप वाई जेड प्लेन कहते हैं। इसमें किसी पॉइंट को आप किस तरह स्पेसिफाई करते हैं, उसी तरह आप एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे, फिर वाई एक्सिस के ऊपर, और फिर इधर जेड एक्सिस के लिए वापस आएंगे। तो ये मैं आपको दीवार के ऊपर समझाता हूं कि ये एक्स वाई प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन क्या है। अच्छा जी, तो अब मैं आ गया हूं 3D स्पेस में। मैं पहले भी 3D स्पेस में मौजूद था, लेकिन अब मैं बोर्ड से जरा हट गया हूं, आपको कमरे के कोने पे आ गया हूं ताकि आपको मैं वो जो है तो समझा सकूं कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको मैंने बताया द सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हर एक का दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्रीज होगा। तो कोने को देखे, अपने कमरे के कोने को देखे जी, एक जो है ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल को हम नॉर्मली एक्स लेते हैं, फिर वर्टिकल को वाई एक्सिस लेते हैं जी, ठीक है, ये वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया, और जो आउटवर्ड आ रहा है जी, सो दिस इज व्हाट नाउ, दिस इज द जेड एक्सिस। एक्स और वाई के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज, एक्स और जेड के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज, वाई जेड के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज, एक्स वाई के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज, तीनों का एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्रीज, एंड दे आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एंड द कॉमन पॉइंट इज व्हाट, द कॉर्नर ऑफ द रूम, दिस इज द ओरिजिन। अच्छा, अब क्या होगा जी, बोर्ड पे जो मैं बनाता हूं दैट इज ओनली अ 2D प्लेन, उसमें मैं सिर्फ एक प्लेन बना सकता हूं, ईच एक्सिस इज योर सिंगल डायमेंशन, एक्स एक्सिस एक्स डायमेंशन, वाई एक्सिस वाई डायमेंशन, जेड एक्सिस जेड डायमेंशन। अब इधर जब मैं स्पेस में आता हूं तो फिर मेरे पास मल्टीपल प्लेन्स होती है। अब इधर मैं कौन सी प्लेन में बैठा हुआ हूं जी, तो देखिए दिस इज योर एक्स एक्सिस, द अदर इज योर जेड एक्सिस, मैं इधर एक्स जेड प्लेन में बैठा हुआ हूं, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस वॉल इज वाई जेड प्लेन, एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई प्लेन। समझ आई? बिल्कुल आई। अब किसी वेक्टर को 2D में किस तरह लोकेट करते हैं बताता हूं, ये शायद बता दिया है कि लेट्स सपोज x और y में है, तो ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, आप पहले x एक्सिस के यूनिट्स कवर करते हैं, ऊपर आते हैं y एक्सिस में, ठीक है। अब इधर z एक्सिस भी इन्वॉल्व है, तो फॉर एग्जांपल चले चले बोर्ड मेरे साथ नजदीक है, लेट्स से एक पॉइंट है, एक पॉइंट 2 और 3 एक पॉइंट है, तो पॉइंट क्या होता है, x और y होता है कि नहीं होता, तो इसका मतलब x यूनिट्स में 2 यूनिट्स आऊंगा और फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा 3 यूनिट्स, तो दिस इज द पॉइंट 2 और 3। फिर इसका पोजीशन वेक्टर मैं आपको समझाता हूं, सो दिस वुड बी ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टिल दिस पॉइंट, दिस वुड बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस 2-3 पॉइंट। अब अगर मैं स्पेस की बात करता हूं तो उसमें फिर आपके पास 3 डायमेंशंस होते हैं, x y और z,
जिसका मतलब मैं तीन कोऑर्डिनेट्स लूंगा, लेट्स सपोज 2, 3, 5। तो स्टार्ट वही से करेंगे जी, 2 यूनिट्स अलोंग द एक्स आएंगे, फिर 3 यूनिट्स ऊपर आएंगे वाई की तरफ। अब जेड एक्सिस किधर है जी, इस साइड पे है कि नहीं, ये दीवार, तो इसका मतलब 5 यूनिट्स मैं इधर आऊंगा, इधर मैं आया तो ये पॉइंट है जी, ये 2, 3, 5 पॉइंट। और ओरिजिन से इधर तक का जो वेक्टर ड्रॉ होगा, प्लेन पे मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसको मैं इस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर कहूंगा। समझ आई? बिल्कुल आई। बाकी बोर्ड पे चल के आपको मजीद डिस्कशन आपके साथ करते हैं। अच्छा, 3D की आपको समझ आ गई? ये मैंने आपको जो समझाया ये 3D था, जो कि दीवार के ऊपर मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या करें जी, अब आप इस तरह करें कि ये तो आपको समझ आ गया, तो अब मैं आपको थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर के बारे में बताता हूं जी, कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है जी, इज द वेक्टर ड्रॉन, पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द गिवन पॉइंट। दिस गिव्स यू द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, दिस गिव्स यू द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन या इन अ स्पेस, इन अ प्लेन या स्पेस। अब देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट था 2 और 5, तो अगर मैं इसके लिए पोजिशन वैक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं, तो इस वैक्ट इस ऑरिजन से इस पॉइंट की तरफ मैं एक लाइन बनाता हूं, और इधर मैं इसको एक एरो देता हूं क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये जो है इसका पोजिशन वैक्टर बन गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय R। एक एंगल एसोसिएटेड है, आप देख रहे हैं कोई एंगल है कि नहीं है। द एंगल ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ अ वेक्टर is always taken with respect to positive x-axis of the coordinate system. For example, अगर आपसे कहे एक वेक्टर 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, तो वो पॉजिटिव x-axis के साथ है। अगर कोई वेक्टर 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, तो वो पॉजिटिव x-axis के साथ है। समझ आई? समझ आई। अब एक वेक्टर की डायरेक्शन को हम किस तरह शो करते हैं जी, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आई यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मैं आपको बताता हूं, बल्कि चले पढ़े यूनिट वेक्टर भी पहले पढ़ लेते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर विच हैज व्हाट, विच हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए, अगर कोई भी वेक्टर है वेक्टर ए लेट्स से, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम विद अ कैप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इधर से आपके पास यूनिट वेक्टर की एक और डेफिनेशन आती है कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वेक्टर। तो देखिए, वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, और वो आपको कोई डायरेक्शन दे देगा। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप किस तरह मालूम करते हैं, तो देखिए, ये इसका एक्स एक्सिस है कि नहीं है, बिल्कुल है, एक्स पॉइंट 2 है, वाई पॉइंट 5 है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर वुड बी व्हाट, The magnitude of a vector is x coordinate ka squared plus y coordinate ka squared and under the root. And how is that? So this is from the Pythagoras theorem. Agar aap isko idhar drop karte hai, to ye dekhe, ye iska base hai ke nahi hai? Ye iska perpendicular iske equal hai ke nahi hai? Bilkul hai. To hypotenuse squared is equal to base squared plus perpendicular squared hota hai ke nahi hota? To dekhe, idhar se maine ye formula nikala hua hai.
ये 2D के लिए है. Similarly, the magnitude of a vector is x coordinate squared, y coordinate squared plus z coordinate squared under the root, और ये 3D space के लिए होता है. समझ आई जी? बिल्कुल आई. तो किसी भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो ये आपको वेक्टर यूनिट वेक्टर देगा, उसकी डायरेक्शन देगा. अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई यूनिट वेक्टर, यानी के आई गिव्स यू द डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस. वाई के अलोंग होता है जे यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के अलोंग होता है के यूनिट वेक्टर. एन यूनिट वेक्टर आपको शो करता है नॉर्मल टू द सरफेस. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये एक प्लेन है तो इसके ऊपर यानी इस तरह से वो एक्ट कर रहा है 90 डिग्रीज आउटवर्ड, तो ये इस प्लेन के ऊपर ये मार्कर नॉर्मल है. समझ आई? समझ आई. तो अब इसका पोजीशन वेक्टर मैं किस तरह शो करूंगा, किस तरह मैं इसको स्पेसिफाई करूंगा? सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 2, 5 इज इक्वल टू व्हाट? आर इज इक्वल टू, सो देखे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है तो 2 आई यूनिट वेक्टर. फिर प्लस वाई के डायरेक्शन में कितना है? 5 है और वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है. सो 2i प्लस 5 जे, इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, तो क्या ये एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? तो एमसीक्यू है जी. Which of the following is a unit vector? तो इसमें एक ऑप्शन ये भी है, तो प्री इंजीनियरिंग वाले डायरेक्टली कहेंगे कि ये है. क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर ले आप cos theta का स्क्वायर प्लस फिर sin y का स्क्वायर ले sin theta का स्क्वायर और फिर इसको अंडर द रूट कहे, तो cos square theta plus sin square theta 1 नहीं होता, तो 1 अंडर द रूट 1 नहीं आएगा, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है? तो ये यूनिट वैक्टर है, ये आपका पोजिशन वैक्टर हुआ. फिर एक होता है जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फ्री वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इसको आप फ्री वेक्टर भी कहते हैं. तो उसकी डेफिनेशन मैं जरा इधर से देख के आपको बताता हूं जी. तो द वेक्टर विच गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वेक्टर विच गिव्स डिस्प्लेसमेंट between any two points, या फिर the vector which gives you the position of a point with respect to some other point which is not the origin. ठीक है जी. अच्छा अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? ये मैंने आपको नहीं समझाया इधर मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ये होता है विच इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान है. अब ये तो वेक्टर हो गया जो कि प्रॉपर इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे यानी आर का जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे विच इज 2 स्क्वायर्ड प्लस 5 स्क्वायर्ड अंडर द रूट, तो ये आएगा 4 प्लस 25 इज 29 अंडर द रूट. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द ओरिजिन. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड द ओरिजिन ओ. समझ आई? बिल्कुल आई. अच्छा आप इधर देखें, इधर देखें आप जरा. ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक पॉइंट है पी वन, ये एक पॉइंट है पी टू. इसका अपना पोजीशन वेक्टर होगा आर वन. ठीक हो गया. इसका अपना पोजीशन वेक्टर होगा आर टू. अब मैंने इन दोनों के दरमियान पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर नहीं सॉरी, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है तो, या इन दोनों के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो क्या वो ये नहीं है? बिल्कुल है. अब एरो मैं किस तरफ लगाऊंगा तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा. लेट सपोज मैं एरो लगाता हूं जी इस तरफ. लेट सपोज मैंने एरो लगाया इस तरफ, तो देखिए हेड टू टेल रूल तो आपको आता है ना थोड़ा बहुत. यानी कि लेट सपोज इसको मैं फिर आर ए कहता हूं, आर ए. इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर. इसको मैं डेल्टा आर ए कहता हूं. तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है? टू एड टू वेक्टर्स द टेल
ऑफ द सेकेंड इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट. तो देखिए टेल ऑफ द सेकेंड, लेट से मैं R1 और डेल्टा RA को ऐड कर रहा हूं, सो द टेल ऑफ द सेकेंड इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट. इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, सो आई एम गेटिंग व्हाट, R1 प्लस डेल्टा R1. तो देखिए द सो एंड द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. तो ये आपको दे रहा है GR2, और इधर से आप फाइंड कर सकते हैं डेल्टा R1 इज इक्वल टू व्हाट, R2 माइनस R1. समझ आई? बिल्कुल आई. अगर मैं ऑपोजिट एक्स, अगर मैं एक ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, लेट से डेल्टा RB है, अब मैंने इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट किया, तो अब देखिए एडिशन इसका रिवर्स हो रहा है. R2 और डेल्टा RB को ऐड करके, R2 प्लस डेल्टा RB को ऐड करके आप R1 हासिल कर रहे हैं. द टेल ऑफ द फर्स्ट, द टेल ऑफ द सेकंड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट एंड द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द हेड ऑफ, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. सो देखिए इधर से आप डेल्टा RB फाइंड कर सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, व्हिच इज R1 माइनस R2. अब इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? डेल्टा R1 और डेल्टा R2, डेल्टा RA और डेल्टा RB जो है, अच्छा RA मैंने इसको कहा हुआ है, RA और RB में जो है तो फर्क क्या है? तो फर्क बेसिकली ये है कि एक, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे और इस बोर्ड के कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस कितना है, और दूसरा जो है बोर्ड के उस कॉर्नर से मेरे तक का डिस्टेंस, यानी एक मैं इधर से इधर आ रहा हूं और दूसरे में मैं इधर से उधर आ रहा हूं. तो बेसिकली ये दोनों सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है. और वो डायरेक्शन का फर्क क्या है कि RA जो है दैट इज लोकेटिंग P2 विद रिस्पेक्ट टू P1. इसको आप कहेंगे डेल्टा RA इज लोकेटिंग P2 with respect to P1, यानी कि P1 से P2 की तरफ जा रहा है, और जो डेल्टा RB है is locating P1 with respect to P2, और जिधर जा रहा है फाइनली, या जिसको लोकेट कर रहा है, तो वो क्या होगा जी, वो पॉजिटिव होगा. समझ आई? समझ आई. तो अब देखे, और बेसिकली ये होता किस तरह है कि डेल्टा RA वुड बी इक्वल टू व्हाट, तो R2 माइनस R1 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट से x को सबट्रैक्ट करेंगे, y से y को. सो इसका मतलब x2 माइनस x1 विद r यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 विद j यूनिट वेक्टर. सिमिलरली इधर डेल्टा RB में क्या होगा, x1 माइनस x2 विद i यूनिट वेक्टर प्लस y1 माइनस y2 विद j यूनिट वेक्टर, और अगर z होता है तो z1 माइनस z2 विद k यूनिट वेक्टर. समझ आई? समझ आई. अगर इसको मैं कोई पॉइंट दे देता हूँ, लेट से मैं अगर किधर लिखता हूँ, इधर मेरे पास जगह है, चले तो मैं अगर कहता हूँ कि एक पॉइंट लेट से P1 जो है, लेट से P1 1, 2, 3 है, इक्वल आप इधर नहीं लगाते, P2 जो है लेट से 4, 5, 6 है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा जी, पोजीशन वेक्टर R1 का सबसे पहले होगा क्या चीज़, 1i प्लस 2j प्लस 3k, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. R2 के लिए क्या होगा, R2 के लिए होगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. और अब मैंने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो लेट सपोज मैं लोकेट कर रहा हूं P1 को विद रिस्पेक्ट टू P2, तो लोकेट कर रहा हूं P1 को विद रिस्पेक्ट टू P2, इसका मतलब P1 पॉजिटिव होगा. जिसको मैं लोकेट कर रहा हूं इसका मतलब मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, ये P1 है, ये P2 है, लोकेट कर रहा हूं P1 को, तो मैं P2 से P1 की तरफ जा रहा हूं, तो P1 के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे. तो लेट सपोज मैं इसको RA कहता हूं, डेल्टा RA, सो डेल्टा RA वुड बी इक्वल टू व्हाट, वुड बी इक्वल टू R1 माइनस R2, जिसका मतलब 1 माइनस 4 पर प्लस ये I यूनिट वेक्टर पर प्लस 2 माइनस 5 विद J यूनिट वेक्टर प्लस 3 माइनस 6 विद K यूनिट वेक्टर. सो डेल्टा RA आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 3i प्लस नेगेटिव 3j और नेगेटिव 3k यूनिट वेक्टर. सिमिलरली माइनस को कॉमन ले सकते हैं जी, जो करना चाहे करें.
सिमिलरली अगर अब मैं ऑपोजिट सेंस में आता हूं, ऑपोजिट में लेट सपोज मैं P2 को लोकेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू P1, यानी कि मैं P1 से P2 की तरफ आता हूं, लेट से इसको मैं डेल्टा आर बी कहता हूं, तो किधर लिखूं, चलिए इधर लिखता हूं, डेल्टा आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो अब P2 पॉजिटिव होगा, P1 नेगेटिव होगा, तो R2 माइनस R1 अब होगा, हेड टू टेल रूल से वो मैंने आपको समझा दिया है वैसे भी। तो बेसिकली ये किस तरह होगा जी, तो इसको लेट से मिटाते हैं, तो X2 माइनस X1 होगा, X2 माइनस X1 I यूनिट वेक्टर प्लस Y2 माइनस Y1 J यूनिट वेक्टर, आपको पता है जी, सो 4 माइनस 1 इज 3 I यूनिट वेक्टर प्लस 5 माइनस 2 इज 3 J यूनिट वेक्टर और प्लस 3 K यूनिट वेक्टर। अब ये हुआ डायरेक्शन के हिसाब से, यानी कि मैं P1 से इधर P2 आया या मैं इधर P2 से इधर P1 आया, डिस्टेंस तो मैंने एक ही कवर किया ना, बिल्कुल, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम होंगे, जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा आर ए का वो सेम होगा डेल्टा आर बी के, और आप कर सकते हैं जी, तो मैग्नीट्यूड डेल्टा, इधर तो आपने वेक्टर का निशान भी नहीं लगाया यार, इधर तो वेक्टर का निशान लगाए ना चाहिए, सो डेल्टा आर ए का जो मैग्नीट्यूड है कितना होगा, नेगेटिव 3 का स्क्वायर फिर प्लस नेगेटिव 3 का स्क्वायर फिर प्लस नेगेटिव 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9, सो 27 अंडर द रूट, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है जो भी आता है। सिमिलरली इधर अगर नेगेटिव का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का स्क्वायर एक ही होता है, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगेन क्या होगा, वही अंडर द रूट 27 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, और ये देखे ए से बी की तरफ जाए, बी से ए की तरफ मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। तो ये थी वो बातें जो हमने आज सीखी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड स्पेस या एक्स वाई प्लेन, डायरेक्शन ऑफ द एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंगल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। आजा फिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी पॉइंट की पोजीशन हमें बताता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वो वेक्टर ड्रॉ करे वो पोजीशन वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो हमें डायरेक्शन बताता है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करे आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा, आई यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन, वाई यूनिट, जे यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन, जेड के यूनिट वेक्टर जेड डायरेक्शन, ठीक है जी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फ्री वेक्टर होगा किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है जी। अच्छा किसी पॉइंट या ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, वो खास तौर पर अगर ओरिजिन हो तो वो पोजीशन वेक्टर होगा, और अदर देन दी ओरिजिन हो तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, अदर देन दी ओरिजिन, ठीक है जी। और बाकी तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई, आपसे मुलाकात होगी जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।